नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह हुए जारी। बिहार का भर अवैध बालू खनन घाट होगा वैध। प्रदेश भर में 81% छात्र ऐसे जिन्हें समझ नहीं आती शिक्षक की पढ़ाई। लद्दाख में शहीद हुए बिहार के वीर बेटे रामानुज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। प्रधान शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके लिए 31 मई को परीक्षा का आयोजन होने वाला है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप बीपीएससी की ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 31 मई दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। राजधानी वासियों को अगले महीने मिलेगी 3 बड़ी सौगात। अगले महीने बिहार की राजधानी पटना वासियों को 3 बड़ी सौगात मिलने वाली है। पटना में तेज गति से 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसे अगले महीने पूरे होने की पूरी उम्मीद है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, मीठापुर का नया फ्लाईओवर और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन शामिल है। तीनों प्रोजेक्ट जून तक चालू हो जाने की पूरी उम्मीद है। इससे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगी। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन चालू होने से उत्तर बिहार में आना जाना काफी आसान हो जाएगा। बिहार का भर अवैध बालू खनन घाट होगा वैध। खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हारा भी मौजूदगी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीते दिन बैठक की गई थी, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि बिहार का अभर अवैध बालू खनन घाट वैध होगा, क्योंकि सरकार अलर्ट मोड पर है और इससे जुड़ी बड़ी तैयारी में लगी हुई है, जिसके बाद गंगा और सोन नदी में जहां जहां बालू का वैध खनन हो रहा है उसे चिन्हित कर वैध कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है। बैठक में बालू का अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार ने भी माना है इसे पूरी तरह से खत्म कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की योजना बनाई गई है। प्रदेश भर में 81% छात्र ऐसे जिन्हें समझ नहीं आती शिक्षक की पढ़ाई। 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि बिहार में ऐसे 81% विद्यार्थी हैं जिन्हें अपने शिक्षक की बात ही समझ नहीं आती। अगर कक्षावार देखा जाए तो 5वीं के 83 और 8वीं के 88%, 3री कक्षा में 81% विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक की पढ़ाई समझ नहीं पाते। ये स्थिति सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ नहीं है, ये स्थिति निजी स्कूलों की भी है। निजी स्कूल की माने तो जिला मुख्यालयों के स्कूलों में ऐसे बच्चों की संख्या 40-50% तक है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि पढ़ाई के तरीके में ज्यादातर शिक्षकों में भाषा की परेशानी आ रही है, वहीं ज्यादातर शिक्षक अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। लद्दाख में शहीद हुए बिहार के वीर बेटे रामानुज। लद्दाख में सेना के 26 जवानों को ले जा रही बस नदी में फिर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवान में बिहार के वीर बेटे रामानुज भी शामिल थे। रामानुज बिहार के पटना जिले के पालीगंज के रहने वाले थे। रामानुज अपने दोस्त जवान के साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे। वो गाड़ी लद्दाख के तुकतुक सेक्टर में सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिर गई। इस हादसे में रामानुज की जान चली गई है। अब रामानुज का अंतिम संस्कार पैतृक गांव परियो में होने वाला है। आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को सूरज की तेज तपिश ने एक बार फिर से लोगों का हाल बुरा कर दिया था। शनिवार को भी न्यूनतम तापमान में कमी नहीं आई। आज भी सूरज की तपिश ने खासकर दक्षिण बिहार के लोगों को रुलाया। हालांकि अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद बिहार के अधिकतर जिलों के 1-2 जगहों पर आंधी बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह हुए जारी। बिहार में निकाय चुनाव का समय भले ही तय नहीं हुआ हो, लेकिन निकाय चुनाव के सिंबल जारी कर दिए गए हैं। बिहार निर्वाचन आयोग ने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की लिस्ट जारी कर दी है। निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद के लिए 32 सीटें हैं, उप मुख्य पार्षद के लिए 21 और पार्षद पद के लिए कुल 36 सीटें हैं, जिसके लिए चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। सड़क हादसे में जान जाने के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार। बिहार देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां सड़क हादसे में 78% लोगों की जान जाती है। आसान शब्दों में समझे तो 100 सड़क हादसों में अमूमन 78 सड़क हादसों में लोगों की जान चली जाती है। ये आंकड़ा बेहद ही चिंताजनक है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि बिहार में पिछले 4 साल में इन लोगों के जान जाने से लगभग 15% की इन मामलों में वृद्धि हुई है। हालांकि सड़क हादसों में कमी के कारण इसमें होने वाली ओवरऑल जान जाने की घटना भी कम हुई है। इस तरह के मौतों के मामले में बिहार देश में 9वें स्थान पर है। महज 12 घंटे में तैयार किया सीमा के लिए पैर।
जमुई की बेटी सीमा के लिए सोशल मीडिया वरदान साबित हुआ है। दरअसल ये बच्ची एक हादसे में अपना एक पैर तो गवा चुकी थी, लेकिन अपना हौसला नहीं और अपने बुलंद हौसले से बिना किसी सहारे के एक पैर पर ही वो घर से स्कूल तक का सफर किया करती थी। इस बच्ची का ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो गया। सीमा की मदद करने के लिए अभिनेता सोनू सूद, मंत्री अशोक चौधरी, सुमित सिंह सहित कई लोग सामने आए। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा भागलपुर में संचालित कृत्रिम अंग और अवयव निर्माण केंद्र के कर्मियों ने की है। यहाँ के 6 इंजीनियरों ने रात दिन एक करके महज 12 घंटे में सीमा के लिए दूसरा कृत्रिम पैर तैयार कर दिया और 27 मई को सीमा के दूसरे पैर लगा दिए गए हैं। दो मंत्रियों के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके शैलेंद्र भारती के यहाँ निगरानी विभाग का छापा। बिहार सरकार द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री सहित कई लोगों को सरकारी संपत्ति को अवैध तरीके से दोनों हाथों से बटोरते देखा गया है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने में जरा सी भी वक्त नहीं लगाई जा रही है। इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलेंद्र कुमार भारती के ठिकानों पर छापेमारी की है। शैलेंद्र भारती ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव पद पर स्थापित है। इसके पहले वो बिहार के दो मंत्रियों के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनके ठिकानों पर ली गई छापेमारी में 2 करोड़ सोने चांदी भी बरामद हुए हैं। तलाशी में मिलने वाली संपत्ति उनके आय से करीब 4 गुनी अधिक है। पंजीकरण के बिना चल रहे अस्पतालों को लेकर बिहार सरकार को मिला नोटिस। बिहार के मुंगेर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिहार के मुख्य सचिव, बिहार सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन को नोटिस भेजते देखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जिले में चल रहे 40 निजी अस्पतालों में से केवल 4 ही कथित तौर पर कानूनी रूप से पंजीकृत है। मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में आई खबरें सही है तो ये मामला मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में बिहार सरकार को इस पर स्वतः संज्ञान लेने और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। राजद ने कहा, सभी को खुश रख पाना संभव नहीं है। राजद ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है, जिसके बाद भाजपा द्वारा तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण को फेल करार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने के बाद सिवान के पूर्व सांसद मेहरू मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने भी बगावती तेवर अपना लिया है। दोनों तरफ से घिर चुकी राजद अब इन मुद्दों पर अपने बचाव की कोशिश कर रही है। ऐसे में राजद ने सफाई में कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सीट थी, ऐसे में सभी को खुश रख पाना संभव नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर पार्टी ऐसे चेहरों को मौका देना चाहती थी जो शिक्षित होने के साथ योग्य उम्मीदवार का चयन किया गया है और मीसा भारती, फयाज अहमद इसके लिए योग्य हैं। चिराग पासवान का बड़ा दावा, मध्यावधि में होकर रहेगा चुनाव। अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के जमुई पहुंचे लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगा। यहाँ जो गठबंधन की सरकार है उसके घटक दलों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है, बहुत जल्द ये गठबंधन टूटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में बड़े बदलाव की जरूरत है। 2020 में चुनाव परिणाम आने के बाद ही हमने कह दिया था कि 2-2.5 साल के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। आज लगभग 1.5 साल हो गए हैं, क्या स्थिति है ये सभी देख रहे हैं। देश भर में सामान्य है कोरोना की स्थिति। भारत में पिछले 24 घंटे में 2685 नए कोरोना संक्रमित मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 4,31,50,215 पर पहुंच गई है, जिसके बाद अब देश ने आज 33 और कोविड की वजह से जान जाने की सूचना दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 16,308 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोरोना संक्रमण की वसूली दर 98.75% दर्ज की गई है। बटलर ने कहा, शेन वॉर्न आज गर्व महसूस कर रहे होंगे। क्वालिफायर 2 में राजस्थान और बैंगलोर मुकाबले के बाद अब दोनों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। इस बार IPL का फाइनल मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच में होने वाला है। क्वालिफायर 2 में राजस्थान ने बैंगलोर पर जीत दर्ज की और इस मैच के स्टार रहे जोस बटलर ने इस सीजन का अपना 4th शतक जड़ा और टीम की जीत की कहानी लिखी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जोस बटलर ने राजस्थान के पूर्व कप्तान शेन वॉर्न की बात की। उन्होंने कहा कि शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हस्ती है, जिन्होंने पहले सीजन में ही राजस्थान रॉयल्स को पहले सीजन का विजेता बनाया था। वो जहां कहीं भी है राजस्थान को इस मुकाम पर देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, शंकर मुखिया, रंजन कुमार, रंजीत मिश्रा, अरविंद कुमार, कुमार कौशल सिंह, मनीष कुमार, राजीव कुमार सहनी, मुकेश कुमार,
कुंदन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। राज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके गांव में सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।